भाइयों साथियों सभी को राम राम। मैं आप सभी की ओर से श्री राहुल गांधी जी का अपनी कर्म भूमि पर मैं स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे बड़े भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी, बहन शैलजा जी, माननीय सांसद हमारी बहन किरण चौधरी जी, भाई रणदीप सुरजेवाला जी, कैप्टन अजय यादव जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बहन कैलाशो सैनी जी, महेंद्र प्रताप जी, भाई लाली जी और यहां पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथीगण, सभी नेतागण और यहां पर सदन में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं की दिल की धड़कन राहुल गांधी जी हमारे बीच में है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने देश में हर हाथ को काम दिया, मनरेगा के माध्यम से हर हाथ को काम दिया और अब जो एक नई स्कीम लेकर के आए हैं कि गरीबों को न्याय, गरीबों को आय किस तरह से बढ़े, मैं समझता हूं कि राहुल जी खुद उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से गरीबी को देश से हटाने के लिए वो एक सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी कि देश के अंदर जो है कोई भी गरीब नहीं रहेगा और हर घर के अंदर जो है खुशहाली आएगी। तो मैं राहुल गांधी जी खुद जो है उस बात को विस्तार से आपके पीछे बताएंगे। साथियों, कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 70 साल से देश के अंदर क्या हुआ, 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। तो आज आप जानते हैं कि जब 1950 में हमारा संविधान बना तो हमारे देश के अंदर खाने के लिए पूरा नहीं होता था। हरित क्रांति आई तो कांग्रेस हरित क्रांति लेकर के आई, जिसके अंदर आप सभी भाइयों की भी, हरियाणा की भी, जिसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। जिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को श्रेय देना चाहते हैं कि उनके टाइम पर वही जो है कंप्यूटर के भी जनक बने हमारे देश के अंदर। जो स्वराज की बात करते थे महात्मा गांधी, उस स्वराज को स्थापित करने के लिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत किया, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक समिति को, जिला परिषदों को मजबूत किया, तो वो भी राजीव गांधी जी की देन है। कांग्रेस पार्टी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, व्यापारियों की, सभी की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमें भाईचारा सिखाया है। हम जात पात मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ देश की बात करते हैं। और आपको याद होगा आज से 10 साल पहले जब किसी ने राहुल गांधी जी से पूछा कि आपका मजहब क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा मजहब है मेरा तिरंगा झंडा, मेरा राष्ट्रीय ध्वज, मेरा देश ही मेरा मजहब है। साथियों, आपसे मेरा रिश्ता 25 साल पुराना है। आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी जिंदल साहब आपके बीच में आए थे। आप लोगों ने हमेशा बहुत उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और एक ये परंपरा हमने चालू की कि आपसे जो रिश्ता है ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता है। और उन्होंने माना कि राजनीति के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करूं, मैं धरती से जुड़ूं। जब हम आपके बीच में आएंगे, आप हमारे बीच में आओगे, तभी हमें पता लगेगा कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं राहुल जी को बताना चाहूंगा कि आज आपके नेतृत्व में श्री आजाद साहब ने और हुड्डा साहब ने जो पूरी एक परिवर्तन यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर निकाली है, जिसके अंदर भाई अशोक तंवर जी और उनकी पूरी टीम की मेहनत से सारे जो समन्वय समिति के मेंबर्स हैं सबके साथ मिलकर के पूरे हरियाणा में हम लोग गए हैं और सभी जगह बहुत स्वागत, लोगों के अंदर बहुत जोश है और लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो
परेशान है इस सरकार से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। वो चाहते हैं कि एक बदलाव आए, और वो बदलाव जो है जिस तरह से बदलाव छत्तीसगढ़ के अंदर आया है, जिस तरह से बदलाव राजस्थान के अंदर आया है, मध्य प्रदेश के अंदर आया है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसी तरह से बदलाव हरियाणा के अंदर भी आएगा। एक बार भाइयों हाथ खड़ा करके बता दो कि भाई बदलाव लाओगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हालांकि मंच पर बहुत हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं और इनके मुकाबले में मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, और मैं इन नेताओं से मुझे बहुत कुछ, सभी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें, सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आती कि जो सरकार 5 साल से सत्ता के अंदर है और वो आज उनको जो है नेता नहीं मिलते, उनको नेता दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है भाई यहां पे दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है। वरना 5 साल में सत्ता रहने के बाद किसी को बाहर से नेताओं को लाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, मुझे एक क्रांतिकारी कवि दुष्यंत की मैं 4 लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो याद रखिए 12 मई को आप 5 साल का हिसाब मांगने आपको बूथ पर जाना है, और तब हाथ के बटन को दबा करके आपने हाथ का साथ देना है। साथियों, यहां पे हमारे सिख भाई भी यहां पर इकट्ठे हैं, और मैंने सिख इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं, और सिखों के अंदर जो बलिदानी का इतिहास है उससे हम सभी प्रेरणा लेते हैं। पवित्र गुरबानी सुनकर एक बात मुझे अक्सर याद आती है कि बाह जिनादी पकड़िए सर दे दीजिए पर बाना छड़िए, बाह जिनादी पकड़िए सर दे दीजिए पर बाना छड़िए। अर्थात जिसका आप हाथ पकड़े फिर चाहे अपना सिर देना पड़ जाए लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ना। तो साथियों, उसी तरह से आप कांग्रेस की बांह पकड़ लो, आप सब कांग्रेस की बांह पकड़ लो, कांग्रेस अपना सिर दे देगी लेकिन आप लोगों का कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी की तरफ से हमारे माननीय सभी नेताओं का, सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।